चलती हूँ कैलाश गिरी पर्वत पर, जहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है। ये है नेचुरल आर्क और सज्जदा इस पे खड़ी है। तो भीमली बीच से हम लोग निकल लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकोंडा बीच के लिए। और हम लोग आ चुके हैं अभी नेचुरल आर्क की जगह। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो व्यू है वो कितना शानदार है, पेड़ कितनी हरियाली और उसके बीच में से आप सी देख सकते हैं, तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये हमारी वंडर पार्क है और आइए चलते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है और यहाँ पर जो हवा है वो काफी ठंडी लग रही है। और ये देखिए आप, एक अलग ही अद्भुत नजारा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो नेचुरल आर्क नहीं है, यहाँ से 500 मीटर्स आगे है नेचुरल आर्क। हमने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, तो चलिए अब चलते हैं आगे। क्या ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है, स्पीचलेस। तो बारिश शुरू हो गई है, वेलकम कर रहे हैं ये सारे बीचेस आज इंडिपेंडेंस डे पर। यहाँ पर बारिश हो रही है और बंदर को नहला रही है। आ चुके हैं अब नेचुरल आर्क पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपको अभी दिखाते हैं कि नेचुरल आर्क मतलब किस चीज का नेचुरल आर्क है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो गूगल है वो आपको कुछ और पॉइंट दिखाएगा, लेकिन आप लोकल से पूछ सकते हैं। यहाँ तक गूगल में जो 300 मीटर आगे 400 मीटर आगे का पॉइंट दिखाता है। और हमें भी थोड़ा घूमने के बाद हम फाइनली आ गए हैं नेचुरल आर्क पॉइंट पे। यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो उन्होंने एक आर्क का रूप ले लिया है, पानी सीन के पानी में उनको ऐसा काट काट के वो शेप बना दिया है। इधर भी आप ये देखेंगे रॉक्स हैं वो अलग अलग शेप में हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक नेचुरल आर्क, ये है नेचुरल आर्क और सच्चिदा इस पे खड़ी है। और ये जो है रॉक पे काटने से ही ये शेप आई है।
नेचुरल आर्क में काफी सारी मस्ती करने के बाद निकलते हैं और फिर नेक्स्ट बीच पे आपको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ अगर आते हो तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये जो पहाड़ काट कर करके जो पानी की ही वेव से डिजाइन बना है, इसमें कोई आर्किटेक्चर का काम नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है। तो अगर आप इस साइड आते हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें, बड़ा मजा आएगा। मुझे तो बहुत आनंद आया और आई होप आप लोगों को भी इंजॉयमेंट खूब मिलेगा। और अब सचिद आ रही है नेचुरल आर्क घूमने के बाद, और अब हम चलते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ जो बिल्कुल यहाँ से पास में ही है, हार्डली 500 meters। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये कंट्री लव दिख रहा है इस मेंबर का, तो बाइक में पूरा झंडे को डेकोरेट किया है और पूरा बाइक सजा रखा है। ये रियल सोल्जर दौड़ रहा है कंट्री से, लव दिखा रहा है। टोटलाकोंडा हम जा रहे हैं और ये है मुख्य द्वार। तो चलिए आप हमारा नेक्स्ट प्लेस ऑफ विजिट या पॉइंट ऑफ विजिट है वो है टोटलाकोंडा। या तो ये एक हेरिटेज साइट है, तो आइए अब चलते हैं। तो यहाँ पर 30 rupees एंट्री फीस है अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो। और ये है इंफॉर्मेशन है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है ये टोटलाकोंडा, और ये 300 BC से 300 AD के बीच में ज़्यादा एक्टिव थी और उसके बाद उसका डिक्लाइन हुआ है। तो इसको 1976 में डिस्कवर किया गया था। ये ऐसे देखिए, इसके इंफॉर्मेशन भी लिखी है, जब इंडियन नेवी कुछ एरियल सर्वे कर रही थी अपनी नेवल फैसिलिटी को अकोमोडेट करने के लिए, तब उन्होंने इसे नोटिस किया और उसके बाद ASI ने इसको अपने अंडर में रिकवर करके और इसको अभी ये ASI के अंडर है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और अंदर क्या क्या है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उनको विहाराज कहते हैं, जैसे हमने अजंता एलोरा में भी देखा था उसी तरह की केव्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर किस तरह की डॉम हैं या केव्स हैं वो सब आगे आपको दिखाते हैं। और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। वही बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हुआ करती थी और वो काफी एक्टिव थी पहले, उसके बाद डिक्लाइन हुई। तो ये एक हेरिटेज साइट है, हालांकि अभी तक इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन इंडियन एक्ट में ये भी एक प्रोटेक्टेड साइट है। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए हो सकता है कि नियर फ्यूचर में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल जाए। देखिए रॉक कट सिस्टर्न्स, तो पानी को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये रॉक से काट के बने हुए हैं, जिनको हम लोग आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग से करके लाते हैं। और ये देखिए इसमें पानी नहीं है और इसमें नीचे जाने का रास्ता भी है। यस, तो पहले से ही आप देख सकते हैं कि कितनी एडवांस सोच थी उनकी। पर ये है जहाँ पर बुद्धिस्ट होम्स
और ये है एक सर्कुलर चैत्य ग्रह। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर ग्रह जो है वो मिलेंगे, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन किया करते थे और ध्यान लगाया करते थे। और ये जो है हम चल रहे हैं बिहारास की तरफ, तो ये देखिए जैसे ये इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब आसपास बैठ के ही। ऐतिहासिक धरोहर को बचा कर सेव करके रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह है बिहारास। और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है रियली। नहीं बिल्कुल। तो ये देखिए और अब यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये व्यू देखिए आप, जो पूरा कोस्टल लाइन और सिटी का जो पैनोरमिक व्यू है वो आप यहाँ तोटलाकोंडा में आकर एंजॉय कर सकते हैं। वो नीचे मंदिर भी दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो रोड जिस रोड से हम आए थे, और ये देखिए आप फुट हिल्स पूरा, और जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, जहाँ तक कैमरा कैप्चर कर सकता है, वहाँ तक आपको बीच ही बीच दिखाई देंगे। तो काफ़ी अमेजिंग व्यू है यहाँ से। सामने है कैलाश हिल, तो अब हम वहीं। और अब हम आ चुके हैं रॉकेट पता है एडल्ट के लिए 150 और चाइल्ड के लिए 80 रुपीज अब लेते हैं। टाइमिंग 6 PM तक है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं रोप पे की तरफ, तो टिकट हमने ले ली है 150 rupees पर हेड की टिकट है। और चलते हैं अब अपने बोर्डिंग की तरफ।
चुके हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें टॉप तक पहुंचने में। यहाँ से आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जो व्यू है वो शानदार होता जाएगा। और अब हम लोग उतर चुके हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कैलाश गिरी। तो रोप वे साइड से एग्जिट करते हैं और आप यहाँ से देख ही सकते हैं जो सी का जो व्यूज है बहुत अमेजिंग है। ये देखिए रेलवे ट्रैक भी है जैसे टॉय ट्रेन का। आई डोंट नो के यहाँ पर टॉय ट्रेन और यहाँ पर सुना है कि है तो आइए चल देखते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि शिवजी भगवान और माता पार्वती की विशालकाय मूर्ति स्थापित की हुई है। तो चलिए अब हम लोग भी चलते हैं मूर्ति की तरफ। तो आप कैलाशगिरी आ सकते हैं। 150 रुपीज़ रोप वे का चार्ज है पर हेड। और आप बाई रोड भी आ सकते हैं तो बाई रोड भी कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने ओन कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हूँ कैलाश गिरी पर्वत पर जहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान हैं। और यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सारे लोग आज इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पर माता पार्वती एंड भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हुए हैं। तो जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। और हमने कैलाशगिरी पर्वत पर आकर महादेव एंड माता गौरी पार्वती के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं, पिक्चर भी ले ली है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं रोपवे के और अब आपको वहाँ पर पहुँचकर ज्वाइन करते हैं नीचे। और यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हैं और ये एक डोम है। पूरी जो कोस्टल लाइन है विशाखापट्टनम की वो यहाँ से आप पूरा पैनोरमिक व्यू देख सकते हैं वाइजैक का।
कोस्टल लाइन है। आई थिंक 1.5 मिनट के आसपास का टाइम लगता है आपको रोपवे से। लंबी लाइन है। अब हम हो चुके हैं एग्जिट, तो ये टिकट काउंटर था इधर बैक साइड एंड ये एग्जिट। तो हमारे सामने वंडर हमने पार कर दी थी और ये है वर्धा हेल्थ अरेना। अब हम आ चुके हैं अपने होटल रूम और अब अपना रूम खोलती हूँ। या और इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ये पेस्ट्री ट्राई कलर में और टाइम देखो सेलिब्रेशन टाइम। तो अपन सब सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे और उसका ये उसके साथ ये है लड्डू। लीजिए आप लोग भी लड्डू शेयर कर सकते हैं और सेलिब्रेट करती हूँ आपके सामने और ये सटका आ जाती हूँ। तो अब हम अपनी बॉडी को विराम देते हैं और फुल रेस्ट करने के मूड में हैं क्योंकि फुल डे की थकान अब हो गई है बॉडी को। तो अब रेस्ट करते हैं। अब आपको कल मॉर्निंग में फिर से ज्वाइन करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय गुड नाइट।